और अब बात बढ़ती महंगाई की। बाढ़ बारिश की वजह से फल और सब्जियों की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। टमाटर महंगाई से सबसे ज्यादा लाल नजर आ रहा है। ऐसे में खेत से टमाटर की चोरी भी होने लगी है। कर्नाटक में एक महिला किसान के खेत से टमाटर चोरी किए जाने का मामला सामने आया। महिला किसान ने दावा किया कि उनके खेत से चोरों ने 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी कर लिए। महिला किसान ने इसको लेकर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। महिला किसान का रो रो कर बुरा हाल है। महिला किसान ने आरोप लगाया कि देर रात हसन जिले में उसके खेत से 2.5 लाख रुपए के टमाटर चोरी हो गए। ये तब हुआ जब देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। किसान धारानी ने कहा कि टमाटर उगाने के लिए उसने कर्ज लिया था। किसान का कहना है कि सेबी फसल में भारी नुकसान हुआ था और टमाटर उगाने के लिए कर्ज लिया था। फसल अच्छी थी, कीमतें भी ऊंची रही। चोरों ने 50 से 60 बैग टमाटर लेने के अलावा बाकी खड़ी फसल भी नष्ट कर दी है। वहीं मामले पर पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि महिला किसान ने 50 से 60 बैग टमाटर की चोरी के आरोप लगाए हैं, जिसकी कीमत 120 रुपए के हिसाब से 2.5 लाख रुपए है। पुलिस भी घटना से हैरान है। पुलिस का कहना है कि इससे पहले सुपारी और दूसरी व्यावसायिक फसलों की चोरी के बारे में तो सुना था, लेकिन कभी नहीं सुना कि किसी ने टमाटर चुराए हों, वो भी खेत से। ये पहली बार है कि पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई मामला दर्ज किया गया है।